आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे आठ महापापों के बारे में जो भीष्म पितामह ने कही थी कलयुग के बारे में, और उसमें से दो हो चुकी है, मतलब दो सच हो चुकी है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जैसे सारे युग बदलने के साथ साथ इंसान का चरित्र, उसका स्वभाव और उसकी प्राथमिकताएं भी बदलती दिखाई दे रही है। सतयुग की बात करें तो ये वो दौर था जब रिश्तों की गरिमा और मन की सच्चाई का अत्यधिक महत्व था। आज हम जिन बातों को सामान्य मानते हैं उस युग में वो घोर पाप माना जाता था। वैसे तो पुराणों में पहले ही कलयुग की विशेषताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कुछ ऐसे महापापों के बारे में बताया था जो कलयुग में अत्यधिक बढ़ जाएंगे। त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, सतयुग। कलयुग मतलब स्वार्थ का युग। सतयुग के बाद त्रेता युग आया जिसमें श्री राम का जन्म हुआ। यह युग था जब इंसानी रिश्तों पर स्वार्थ प्रबल रूप से हावी होने लगी थी, धरती पर बुराई होने की आहट भी सुनाई देने लगी थी। फिर आया द्वापर युग। द्वापर में रिश्तों की गरिमा बहुत हद तक समाप्त होने लगी। आपसी रिश्ते सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर केंद्रित हो गए। धन और सत्ता की लालच में सभी को अंधा कर दिया था। फिर आया कलयुग। कलयुग इसमें मनुष्य द्वारा हर सीमा को लांघा गया। धोखा, चारित्रिक खनन, चालबाजी और न जाने कैसे कैसे परिणाम इस युग ने दिए। भीष्म पितामह द्वारा बताए गए महापाप तीन श्रेणियों में विभाजित थे। इनमें से तीन शरीर द्वारा, चार वाणी द्वारा और मन द्वारा, तीन प्रकार के पाप महा शामिल हैं। ये वो पाप थे जिनकी मौजूदगी हर युग में थी, लेकिन कलयुग में ये पाप होने के बावजूद लोग इन्हें अपने समाज का हिस्सा बना लेंगे। आइए हम बताते हैं कि क्या वो महापाप थे जिनके विषय में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पहले ही चिता दिया था। अनर्थ बोलना। इस श्रेणी में शामिल महापाप में सबसे पहला नाम है अनर्थ बोलना, या किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना। जो लोग व्यर्थ बात करते हैं उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि वे क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। वे जाने अनजाने दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। शरीर द्वारा होने वाली महापाप में सबसे प्रथम और अत्यधिक निंदनीय है हिंसा करना। किसी भी प्रकार के जीव के साथ शारीरिक हिंसा करना या जानबूझकर उन्हें क्षति पहुंचाना इस श्रेणी में शामिल है। फिर है चोरी करना। इस श्रेणी में दूसरा पाप है चोरी करना। अपने लालच की वजह से किसी दूसरे की संपत्ति हथियाना या चोरी करना इसी श्रेणी में आता है। अगर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे व्यक्ति धन की चोरी करता है या की जाती है तो यह बुरे परिणाम देती है। फिर है हमारी वाणी। शारीरिक महापाप के बाद अब बारी है उन पापों की जो व्यक्ति की वाणी के कारण घटित होंगे। हमारी वाणी ही हमारे चरित्र का परिचय करवाती है। हमारा मुंह खुलते ही यह बात पता चल जाती है कि हम क्या सोच रखते हैं। फिर है बड़ों का अपमान। महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि अपनों से बड़ों का अपमान करना मृत्यु के समान है, लेकिन आज के युग में यह भी बहुत सामान्य हो गया है। यह वाणी द्वारा होने वाला दूसरा महापाप है। उसके बाद है झूठ। हमारे द्वारा बोला गया झूठ ना सिर्फ हमारे चरित्र पर संदेह उत्पन्न करता है बल्कि दूसरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। झूठ बोलने से हमारी आत्मा को दुख पहुंचता है, वो निंदित है, इसलिए इन सबसे बचना अत्यधिक जरूरी है। फिर है अनुशासन। तीसरा श्रेणी है मन द्वारा किए जाने वाले पाप, जिसका उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में किया गया है। मानसिक रूप से किसी दूसरे के बारे में गलत सोचना, किसी के प्रति मानसिक हिंसा करना एक बड़ा पाप है। फिर है वासना। तीसरी प्रकार का पाप है वासना। किसी के प्रति वासना का भावना रखना या घृणित विचार रखना भी महापाप की श्रेणी में आता है। फिर है व्यभिचार। व्यभिचार अत्यधिक निकृष्ट कर्म है जो शारीरिक महापाप की श्रेणी में शामिल है। कलयुग में स्त्री पुरुष के नैतिक और चारित्रिक खनन की आशंका पहले ही लग गई थी।
जो लोग भोगवश अपने विवाहित जीवन में खलल पैदा करते हैं उन्हें पाप का भागी बनना पड़ता है। हालांकि जितने मैंने पाप उल्लेखित किया है आजकल की जीवन शैली में कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन मन वचन कर्म किसी भी आधार से किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या उनके प्रति बुरा करना भी पाप होता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।